दिल्ली और एनसीआर की हवा में घुला जहर दम घोट रहा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि इसकी चिंता ना ही सरकारों को है और ना ही लोगों को। ऐसा इसलिए क्योंकि धुएं की चादर से दिल्ली में ही प्रदूषण की आग को भड़काया जा रहा है, जिसकी वजह से सांस लेना तो मुश्किल हो ही रहा है, लोग कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। लेकिन इस बात की चिंता किसको है? नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के नरेला में कूड़े के ढेर से उठती आग की तेज लपटें और काला धुआं तो यही बता रहा है कि दिल्ली का चाहे दम घुटे, लोग अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले। फिर भले ही ये धुआं आग लगाने वालों का भी दम घोट रहा हो, लेकिन वो तो आग लगाएंगे और दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें इसलिए बेचैन करने वाली हैं क्योंकि दिल्ली पहले ही प्रदूषण की मार झेल रही है। साफ हवा की उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही, लेकिन ऐसे हालात में भी कूड़े को आग लगाने का सिलसिला जारी है। नरेला के सेक्टर 11 में पॉलीथीन, कागज और रबर जैसे कचरे को आग के हवाले कर दिया गया। हैरानी की बात ये रही कि एनजीटी की रोक के बाद भी इस कूड़े को आग लगाई गई। आरोप तो यहाँ तक लगा कि वहाँ मौजूद कुछ फैक्ट्री मालिकों ने रबर और दूसरा कचरा उस कूड़ेदान के पास डलवाया और बाद में उसमें भी आग लगवा दी गई। करीब एक घंटे तक ये कूड़ा आग में धधकता रहा और उससे उठ रहा काला धुआं हवा में घुलता रहा। लेकिन दावा है कि उस दौरान वहां से गुजरने वाले लोगों ने भी पुलिस और फायर ब्रिगेड को आग लगने के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी ही नहीं दी, जिसकी वजह से वक्त पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और कूड़े में लगी आग ने वहां 7 पेड़ों को भी अपनी चपेट में ले लिया, यानी साफ हवा के लिए जूझती दिल्ली में पेड़ों को भी नहीं छोड़ा गया। करीब एक घंटे बाद पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम के साथ वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि ये आग तो बुझ गई, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का संकट और गहरा गया। दिल्ली का AQI सोमवार के मुकाबले 410 से 426 पर पहुंच गया, जो कि बेहद खराब माना जाता है। जहां अगर आप तस्वीरों में देखें तो पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही रोड पर भी जितनी गाड़ियां निकल रही है सब हेडलाइट जला के निकल रही है। अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास धुएं की मोटी चादर दिखी। महज 500 मीटर की दूरी से भी अक्षरधाम मंदिर धुंधला नजर आया। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश जरूर हुई, लेकिन इसका प्रदूषण पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के इलाकों में तो बादल केवल 5 से 10 मिनट के लिए ही बरसे।